हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वाइटिलिटी ब्लास्ट के मैचेस के ऊपर। देखो, आज टोटल 4 मैचेस खेले जाने हैं वाइटिलिटी ब्लास्ट के, जो कि रात के 10 बजे के बाद ही खेले जाएंगे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। तो हम बात करेंगे सारे मैचेस के ऊपर कि किन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है, किन प्लेयर्स के ऊपर ट्रेड करना है, जिससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम अर्निंग हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और समझो कि किन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना और किन को अवॉइड करना है। उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग अभी PSL को अवॉइड कर रहे हैं। PSL के ऊपर कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम पे भी कि अब 4 मैचेस कंप्लीट होने थोड़े से डाउटफुल हो जाएंगे कि पता नहीं कौन सी टीम प्ले ऑफ में पहुंचेगी और कौन सी फाइनल पहुंचेगी, जिसके हिसाब से मैचेस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो अभी आप टोटल वाइटिलिटी ब्लास्ट पे इन्वेस्ट करो और जो आपके पुराने इन्वेस्टमेंट हैं PSL के, उसको वहाँ से एग्जिट करो, वहाँ से प्रॉफिट गेन करो, उस पर ट्रेड करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अभी आपको PSL पे न्यू इन्वेस्टमेंट को रोकना पड़ेगा। उससे पहले देखो, वीडियो शुरू करने से पहले देखो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, उसको ध्यान से सुन लो। ये देखो, एक और अपडेट आया हुआ है अभी, यहाँ देख सकते हो आप। अब एक अपडेट आया हुआ सिक्सर ऐप में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके बारे में हमने बहुत दिनों से बात करी है कि कब ये अपडेट रोल आउट होगा, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। जैसा कि 4 मैच रूल, आप सबको पता है कि 4 मैच रूल अब कैसे काउंट होगा। अगर प्लेयर स्क्वाड में है तो उसका एक मैच काउंट हो जाएगा। पहले क्या था कि जो प्लेयर जब तक प्लेइंग 11 में नहीं आएगा तब तक उसके मैचेस काउंट नहीं होंगे, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स वापस से सेलेबल हो चुके हैं। फिलहाल ये अपडेट आ चुका है, लेकिन उसके जो नीचे के 2 अपडेट्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हो, एक पोर्टफोलियो स्क्रीन की है और एक UI की है। ये जो दोनों अपडेट्स हैं, ये फिलहाल आपसे पूछा जाएगा सिक्सर ऐप में ही अपडेट करने को, एप्लीकेशन को, तब आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आपके जो UI है वो चेंज हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। उसके बाद सुनो एक बात और, अभी आपको दिक्कत आ रही होगी प्लेयर सेल्स करने में, लाइक मतलब किस प्लेयर को कब सेल करना होता है। मैंने छोटे प्राइस पे, कम प्राइस पे बाई तो कर लिया, बट सेल कब करना, ये काफ़ी सारे यूजर्स का क्वेश्चन था। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दिया, आप जाके देख सकते हो, काफ़ी डिटेल वीडियो कि कैसे आप जानोगे कि कब किस प्लेयर को सेल करना, कैसे आप एनालिसिस करोगे, कैसे आप स्टडी करोगे, क्या मेथोडोलॉजी होगी आपकी, उस सारा डिटेल वीडियो, कम से कम 40 मिनट की वीडियो, उसको देखो, समझो डिटेल में, और आप खुद को मास्टर बने हुए पाओगे। फिर आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कब बेचना है, कब सेल करना है, कब होल्ड करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। आप देखोगे आपका अपना एक नॉलेज गेन हो जाएगा और अपना आप माइंड सेट यूज़ कर पाओगे, अपना माइंड यूज़ करोगे कैसे सेल करना होता है। ठीक है, उससे पहले एक बात और सुनो कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट पिन के मिल जाएगा, जिससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। कोई भी अपडेट होता है, कोई भी न्यूज़ होती है, कुछ भी होता है, तुरंत आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर ही मिल पाएगा। वीडियो बना के तुरंत पोस्ट करना इम्पॉसिबल सा काम होता है। ठीक है, वीडियो होती है लॉन्ग इन्फॉर्मेशन, लॉन्ग नॉलेज के लिए, बाकी जो होता है टेलीग्राम आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप सब जानते भी हो टेलीग्राम का फ़ायदा, तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई सुझाव है, सजेशन है मेरे वीडियोज़ को देखकर, या फिर आपको कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैंने फटाक से इंट्रो सब खत्म किया, अब मैं मैचेस के ऊपर मूव करता हूँ। तो एक बार से मैं मैच सेंटर खोलता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से ध्यान से देखो, लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दी है ना, कुछ छूटा तो नहीं। चलो ठीक है, मिडिल सेक्स वर्सेज ग्लूसेट शायर के बीच में मैच है। ठीक है, 17 जून को खेला जाएगा। देखो टीमें दोनों काफ़ी ठीक हैं, हालांकि एक मिनट, मिडिल सेक्स जो है वो ज़्यादा ही मजबूत टीम है, आप सबको पता है, ये 200-200 रन तक की चेज़ कर ले रही है और रन 200-200 तक बना भी सकते हैं ये। तो देखो अब बात करें मिडिल सेक्स के साइड से, देखो मार्टिन एंडरसन ऑलराउंडर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं अगर खेलते हैं तो, अदरवाइज बाय ही नहीं करना है। और मुझे जहाँ तक लगता है प्लेइंग 11 में नहीं रहेंगे, तो इनको छोड़ दो। देखो थॉमस हेल्म अच्छे हैं, बट उम्मीदें केवल बॉलिंग से कर सकते हो, और शायद से इनको भी आप छोड़ सकते हो। मैं केवल ऐसे प्लेयर्स के ऊपर ट्रेड करना चाहता हूँ, आपसे ट्रेड कराना चाहता हूँ, जो काफ़ी ट्रस्टेबल है, ट्रस्ट वर्दी है, जिनके ऊपर आप खुद ट्रस्ट करो और जिनसे आप पैसा एलिजिबल बना सको। ऐसा नहीं है कि किसी एक मैच, आप जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ समझो, जैसे थॉमस हेल्म का ये, तो मान लो किसी मैच में इन्होंने 5 से 6 विकेट्स निकाल लिए, ठीक है, फिर उसके बाद से वो 3-4 मैचेस तक गायब, तो भाई ऐसे प्लेयर्स के ऊपर ट्रेड करके क्या ही पाओगे आप। किसी मैच में आप 5 से 10 रुपये प्रॉफिट भी देता है, फिर उसके बाद से फिर 0 हो जाएंगे, आप सब जानते हो। लॉजिकल चीज़ें, सिंपल चीज़ें, ट्रेड उनके ऊपर करो जिनको चांसेस पूरे मिलते हैं और जिनसे पैसा कमाने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, देखो आयन मॉर्गन आप सबको पता है, मैंने बार बार बोला, इंग्लिश पिचेस और आयन मॉर्गन भाई फ्लॉलेस, मतलब ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं भाई इंग्लिश पिचेस के ऊपर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, मतलब बैट स्विंग भी अच्छी होती है और हिट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, क्लीन होते हैं। ओके, 34 के प्राइस पे, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, पॉजिटिव इंटेंशन है, तो आप इनके ऊपर जरूर से ट्रेड करना। 34 रुपये में बाई करोगे तो लॉजिकल है कि
15 से 20 रुपये अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो जाहिर सी बात है बना सकते हो, किसी भी दिन अच्छा चल सकते हैं, सेंचुरी भी लगा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आयन मॉर्गन के ऊपर आपको ट्रेड करना ही करना है। आगे देखते जाओ, निक गबिन्स आपको नहीं खेलते हुए दिखेंगे, ठीक है, अगर खेलते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट पिक जरूर से होंगे, मैं बोल रहा हूँ। अगर खेलते हैं तो प्राइस इनकी 32 के अराउंड में होगी और फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे, क्योंकि देखो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना है नंबर 3 या 4 पे और वहाँ पे बहुत अच्छा ये खेल लेते हैं। बात करें देखो आगे स्टीवन फिन की, तो इनको छोड़ दें, देखो हालांकि प्राइस कम है बट बॉलिंग से ही उम्मीदें की जा सकती हैं, बॉलिंग भी इतनी इफेक्टिव अब नहीं रहेगी जितने की पिछले सीजन्स में इनकी थी। पिछले सीजन्स में कैप्टन भी रह चुके हैं और बॉलिंग बैटिंग दोनों काफ़ी अच्छी चलती थी। ठीक है, बात करें देखो अगले प्लेयर्स की, मोहम्मद हफीज़ छोड़ दो, क्रिस्टोफर ग्रीन छोड़ दो, क्योंकि 46 इज़ अ हाई प्राइस फॉर क्रिस्टोफर ग्रीन। हालांकि ये देखो प्राइसेस इनके अभी इंक्रीज हो सकते हैं तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होगी, लेकिन हमको प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए। देखो अब सिंपल लॉजिकल चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो क्रिस्टोफर ग्रीन से बैटिंग की उम्मीद कितनी की जा सकती है, खुद सोचो आप। हाफ सेंचुरी बहुत रेयर है, तेज तर्रार पारी काफ़ी रेयर है, बॉलिंग से आप उम्मीद रख सकते हो, बॉलिंग से कितनी सोचो, स्पिनर कब बॉलिंग कराने आता है, मिडिल ओवर्स में, लास्ट के ओवर्स में, मिडिल ओवर्स में, तो वहाँ पे प्लेयर्स कौन से रहेंगे, किस टाइप के प्लेयर्स रहेंगे। तो और भी चीज़ है ना, देखो मैं तुमको एक चीज़ और बताता हूँ, एक मिनट देखो, अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन के देखो जितने भी बॉल्स मिलेंगे, ठीक है, वो उसके खुद के अपने होंगे और उस पर उसका पूरा हक होगा, वो किसी के साथ वो रन शेयर नहीं करना है। लेकिन अगर एक बॉलर है तो 10 विकेट्स है ना भाई किसी के पास, तो बॉलर्स के बीच में शेयर हो जाता है, तो वहाँ मुश्किल चीज़ है ना, मतलब लॉजिकल चीज़ है कि एक बॉलर को चांसेस इन कंपैरिजन टू बैट्समैन कम मिलते हैं इन रियल इन सिक्सर एप्लीकेशन। आप समझ सकते हो सिक्सर एप्लीकेशन में थोड़े से जो चांसेस वो कम तो हैं, मुझे तो लगता है कि जो प्राइस की मूवमेंट है वो बॉलर्स की थोड़ी सी कम तो है, ये आप भी समझ रहे होगे, इसीलिए मैं ग्रीन पे थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। अगर ये आप इनको पहले बाई करते जबकि इनकी प्राइस जब लो थी तो शायद से अभी तक प्रॉफिट जरूर से बना सकते थे, क्योंकि देखो बैटिंग थोड़ी सी ऊपर तो आई जा रही है, 10-12-15 रन बना सकते हैं, हालांकि बॉलिंग अच्छी है, 3 से 2-3 से विकेट निकाल सकते हैं, बट हर मैच में निकाल सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं, किसी न किसी अच्छे टीम से पाला पड़ा तो फिर इनकी धुनाई भी हो सकती है, आप समझ सकते हो, पिटाई हो सकती है, रन्स दे सकते हैं, लॉजिकल है। देखो नॉर्थन शॉर्टर की अगर बात करें, अच्छी बॉलिंग, काफ़ी अच्छी बॉलिंग है नॉर्थन शॉर्टर की, लेकिन एज अ बॉलर ये लिस्ट तो है, लेकिन एज अ बॉलर इनके ऊपर हम ट्रेड नहीं कर सकते। बाकी देखो पॉल स्टर्लिंग, मुजीबुर रहमान, एबी डी विलियर्स, इन सबको आप छोड़ दो, और नॉर्थन शॉर्टर के लिए 46 इज़ अ गुड प्राइस, हाई प्राइस, इसीलिए इनके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। आँख बंद करो और देखो बस सिंपल सा एक ही प्लेयर है, यॉन मॉर्गन जो कि इंपॉर्टेंट पिक, मार्टिन एंडरसन और निक गबिन्स अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट पिक, अदरवाइज वी कैन ट्रेड ओनली ऑन आयन मॉर्गन। ठीक है, जितने कम प्लेयर्स के ऊपर ट्रेड करोगे उतना बेनिफिट है, जितना छोटा पोर्टफोलियो उतना ज़्यादा बेनिफिट, समझ रहे हो, और जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट। माफ़ करना अगर मेरा जबान कभी इधर उधर हो जाए, वो अलग बात है, थोड़ा सा तेज़ी से बोलने में ऐसा हो जाता है, बट आप देखो चीज़ें आपको गेन करने से मतलब है, नॉलेज से मतलब, बाकी सब चीज़ें ठीक है। इधर देखो ग्लूसेट शायर के साइड से, यान कॉकबेन 37 इज़ अ गुड प्राइस एंड बेस्ट प्राइस फॉर हिम। 37 पे अगर आप, आज तो प्राइस वैसे भी 35 हो जाएगी, अगर 35 पे बाई करते हो तो मैं इनकी ऑल टाइम हाई बताता हूँ तो 60 के करीब है, तो आप समझ सकते हो कि अगर ये 60 तक अचीव कर सकते हैं तो मे बी नंबर 3 पे बैटिंग करने आते हैं, और आपको पता है नंबर 3 जो है एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे बैट्समैन को मौका पूरा मिलता है, चांसेस पूरे मिलते हैं, टाइम पूरा मिलता है, ठीक है, और उसके साथ ही साथ इनको अपना जो इनिंग बिल्ड करनी है वो भी कर सकते हैं, बैट स्विंग भी कर सकते हैं, तेज़ी से भी बैटिंग कर सकते हैं, उनको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली, समझ रहे हो, इन कंपैरिजन टू अदर बैटिंग स्पॉट लाइक ओपनिंग कर रहे हो आप या फिर किसी और नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हो, नंबर 3 इज़ अ बेस्ट प्लेस टू बैटिंग, क्योंकि वहाँ हर चीज़ें आपको टाइम मिलेगा, ओवर्स मिलेंगे, आप अपने हिसाब से खेल सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि आपको नंबर 3 पे आकर बल्ला घुमाना, रन बनाना, ये भी नहीं होता, जैसे कि आप लोअर ऑर्डर में देख सकते हो, ऐसा भी नहीं होता कि आप ओपन कर रहे हो वहाँ से आपको तेज़ी से रन बनाने होते हैं, समझ रहे हो, आपको नंबर 3 इज़ अ बेस्ट प्लेस कि आपको रोक के खेलना है, आपको संभल के खेलना, आप चाहो तो तेज गति से रन भी बना सकते हो, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती है, इसलिए यान कॉकबेन नंबर 3 पे खेलते हुए अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, हालांकि एज थोड़ी ज़्यादा है बट नो डाउट आपको प्रॉफिट ज़रूर से दे सकते हैं। जेम्स ब्रेसी खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट पिक, अदरवाइज मुझे नहीं लगता खेलेंगे, नेशनल ड्यूटी पे गए थे, अब देखो अगर रिलीज होते हैं वहाँ से तो यहाँ इनको चांसेस मिलेंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का। बाकी देखो इधर से आप किन्हीं के ऊपर भी ट्रेड नहीं करना चाहोगे, रियान हिगिंस अच्छे पिक थे, मैंने बोला अच्छे पिक थे जब मैंने इनको बाय भी किया था
स्टार्टिंग के मैचेस मैंने बोला था जब ये 49 के अराउंड में मिल रहे थे, और देखो अभी 6 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर आपने इनको बाय किया होता तो आज सेल भी कर सकते हैं, हालांकि अब टीम से बाहर चल रहे हैं, पता नहीं क्यों, रीज़न मैंने नहीं देखा, कोई बात नहीं, खेल रहे हैं तो ट्रेड करो, रीज़न जानने की ज़्यादा मुझे ज़रूरत भी फील नहीं होती, ठीक है। तो रियान हिगिंस को मैंने बाय किया था, कुछ प्रॉफिट इन्होंने दिया शायद 5 से 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। अभी फिलहाल छोड़ो, अगर बेनी हॉवेल वगैरह होते तो शायद से ट्रेड किया जा सकता था। इधर देखो गिलेन फ्लिप्स इंपॉर्टेंट थे, बट 61 इज़ अ हाई प्राइस फॉर हिम, तो इनको हम लोग छोड़ देंगे। तो बस आँख बंद करो, इयान कॉकबेन के ऊपर जाओ। तो दोनों साइड से एक एक प्लेयर मैंने बता दिया, सस्ते प्राइस में अच्छे पिक हैं, चांसेस पूरे मिलते हैं। आयन मॉर्गन भी नंबर 4 पे बैटिंग करने आ जाते हैं, तो आप इनके ऊपर मैक्सिमम ट्रेड करो, प्रॉफिट ज़रूर से होगा। चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये मैच समझ में आ गया, अगर समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता, कंटेंट अच्छा लगता भाई, तो यार वीडियो लाइक कर दे करो, मोटिवेशन मिलती है। हालांकि अगर जबान इधर उधर हो जा रही है, थोड़े से लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें फ्लुएंट और एकदम फ्लॉलेस हों, ठीक है। चलो बात करते हैं सर्रे वर्सेज ससेक्स के बीच के मैच। देखो दोनों टीमें ज़बरदस्त, समझ रहे हो, मज़ा आ जाता है फिर मैचेस देखने के इनके, कि टीमें ससेक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लाइक उन लीग राइट ने वापसी करी है, तो मज़ा आ रहा है देखने में। फिलिप साल्ट भी अच्छे फॉर्म में, तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, और मज़ा भी आता है मैचेस ऐसे देखने में जहाँ पे प्लेयर्स मतलब अच्छा परफॉर्म करते हो, हिट्स लगते हो, गेंदबाजी भी अच्छी होती हो। मुझे गेंदबाजी में भी बहुत मज़ा आता है, जब मैं बॉलिंग देखता हूँ तेज़ गेंदबाजी करते हो तो हाई पेसर्स को, तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। बात करते हैं हम, देखो जेमी ओबर्टन छोड़ दो यार, इनको खिलाया तो जा रहा, बट पता नहीं बॉलिंग क्यों नहीं मिल रही, एज अ बॉलर खेल रहा है, बैटिंग करने मिल जा रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कभी नंबर 4 पे बैटिंग करने आ जा रहा है, 5 पे आ जा रहा है, और बॉलिंग मिल नहीं रही, फिर भी इनको पर ट्रेड नहीं करना है। बेन फॉक्स अगर खेलते हो तो इंपॉर्टेंट, अदरवाइज छोड़ सकते हो, खेलते हैं तो कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, बाकी बात ही खत्म है। जॉर्डन क्लार्क देखो इंपॉर्टेंट तब थे जब बैटिंग ऑर्डर टॉप की खराब चलती, अभी तो भैया ऐसी बैटिंग ऑर्डर चल रही है कि मतलब जॉर्डन क्लार्क को बैटिंग तो मिलेगी नहीं, 2-4 बॉल मिल जाए अलग की बात है, बॉलिंग हालांकि देखो बॉलिंग में सैम करन आ चुके हैं, टॉम करन आ चुके हैं, भैया बॉलर्स तो अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं, तो बॉलिंग से भी इनसे उम्मीदें ना की जाए तो बेहतर है। होली पॉप कितने कीपर्स खेलेंगे छोड़ दो। विल जैक्स देखो, अब ध्यान से देखो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक, अगर आपने इनके ऊपर ऑलरेडी ट्रेड किया हुआ है दोस्तों तो काफ़ी प्रॉफिट में अभी आप चल रहे होगे, अगर नहीं किया है तो आज इनकी प्राइस 45 के बिलो होगी, आप सबको पता है 44 तक आती है, तो बाय करो। इनका जो करीब करीब मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 70 के करीब शायद ऑल टाइम हाई है, देख लेना आप एक बार, तो समझ सकते हो इस प्लेयर के पास कैपेबिलिटी है, समझ रहे हो, बैटिंग तेज तर्रार, 20 गेंदों में 70-75 रन बनाए थे इन्होंने, 20-25 गेंदों में जितना भी हो, बट इतना है कि हाई स्ट्राइक रेट है, मैंने देखा था बैटिंग इनका जबरदस्त चल रहा था भाई, लगातार हिट्स किए जा रहे, मतलब हिट किए ही जा रहे थे, मज़ा आया था देख के। तो विल जैक्स के ऊपर ट्रेड करो, और बॉलिंग भी करा रहे हैं साथ ही साथ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस दिन बल्ले से चलेंगे तो जाहिर सी बात है लिख के ले लो, बॉलिंग से भी ज़रूर चलेंगे, ठीक है, और उस दिन प्राइस हाई होगी, और अगर 70-80 तक प्लेयर गया हुआ है तो समझ सकते हो कि जा भी सकता है। बात करें देखो टॉम करन, देखो टॉम करन की बात करूँ, बॉलिंग तो मुझे उतनी इफेक्टिव नहीं लगती है, और वहीं साथ ही साथ बैटिंग के भी चांसेस थोड़े से लो हैं, तो इनके ऊपर हम फिलहाल ट्रेड नहीं करेंगे, अगर ये 40 के नीचे रहते तो यार ज़रूर से ट्रेड कर सकते थे, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्राइस के साथ साथ चांसेस के भी हैं, अगर बैट्समैन या प्लेयर की प्राइस भले ही लो है बट चांसेस नहीं मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइस चांसेस के वजह से ही लो हुए हैं, समझ रहे, तो हम उनके ऊपर ट्रेड क्यों करें भाई, जिनको चांसेस ही नहीं मिल रहे, झूठ में ही लॉस में जाओगे तो छोड़ ही दो। रॉरी बर्न्स छोड़ दो, अगर खेलते हैं तो शायद कंसीडर कर सकते हो दोस्तों, अगर खेलते हैं तो कंसीडर कर सकते हो, मे बी आपको 5 से 10 रुपये का प्रॉफिट दे सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता खेलेंगे, खेलते हैं तो कंसीडर कर सकते हो मेरी तरफ से, ठीक है। रिस चॉपली छोड़ दो, अरॉन फिन छोड़ दो, लॉरी वांस मैंने कितनी बार कहा है, मेरे पुराने वीडियोस देखो जब भी इनकी प्राइस कम थी, अभी 18% के प्रॉफिट में चल रहा है दोस्तों, तब मेरे वीडियोस देखो मैंने बार बार बोला कि लॉरी इवांस के ऊपर ट्रेड करो भाई, ये श्रीलंका वाली जो T20 लीग हो रही थी उसमें हाईएस्ट रन गेटर थे, आप शायद अगर फॉलो करते होगे श्रीलंका की भी लीग तो देखे होगे कि ये हाईएस्ट रन गेटर थे, तो समझ सकते हो कि कैपेबिलिटी का कितनी है, और नंबर 3 पर बैटिंग मैंने बता ही दिया कि बेस्ट स्पॉट है वो, तो ये एक थोड़े से मैं आपको बताऊं तो कंसिस्टेंट टाइप के प्लेयर है, थोड़े स्लो रहेंगे बट स्टीडी रहेंगे, लॉन्ग रन जरूर खेलेंगे, अब फिलहाल तो 54 हो चुके हैं तो बाई मत ही करना तो बेहतर। जेसन रॉय देख रहे हो, अब इनके ऊपर पता नहीं आप लोगों ने ट्रेड किया कि नहीं किया, मैंने बोला भैया जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और जिनको ओपन करने का मौका मिल रहा है, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, भाई इनको छोड़ते क्यों हो, अगर आपको कहीं से लो प्राइस पे मिल जाते हैं किसी भी प्रकार से तो जितना ज़्यादा से ट्रेड कर सकते हो कर लो, क्यों, देखो इंटरनेशनल प्लेयर्स भाई
टी20 ब्लास्ट में बहुत अच्छा खेलते हैं। लाइक आरोन फिंच की बात मैं अगर करूँ, वहीं मैं बात करूँ जेसन रॉय की, आप देख सकते हो सैम करन की, इमरान ताहिर की, इसी लिस्ट में देख लो तो सब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला। अब मैंने जेसन रॉय को ऊपर ट्रेड किया था, मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, 29% का राउंड में भी प्रॉफिट हो चुका है। तो सोचो, तो अगर इन ओपनर बैट्समैन इंटरनेशनल प्लेयर मिल जाए आपको लो प्राइस में, तो ज़रूर से ट्रेड करना। अभी फिलहाल इनको छोड़ दो, 50 है, इट इज़ अ हाई प्राइस फॉर जेसन रॉय ऑल्सो। ठीक है, चलो सैम करन 63 कौन ट्रेड करेगा भाई, आप बताओ। सैम करन 63 पे तो कोई खरीदता ही नहीं है, शायद कोई बड़ा दिल वाला हो आप में से कोई खरीद सकता है, बट लॉजिकल चीज़ है, 63 जितना ज़्यादा वनरेबल है उतना किसी स्पॉट पे नहीं आ पाओगे, उस प्राइस पे नहीं पाओगे। 63 रुपया जिस हिसाब से आपको दिख रहा है उसी हिसाब से नीचे भी जाएगा, 63 से कब 33 रुपया हो जाएगा, 33 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, बट और कोई बात नहीं है, चीज़ें ऐसा नहीं है कि 63 वाला प्राइस प्रॉफिट नहीं देगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जॉनी बेरेस्टो 60 के थे, अभी 82 के अराउंड में पहुँच गए, तो प्रॉफिट इन्होंने दिया है। बट आप देखना, एक से दो पारी अगर मिस होती है 82 से 50 पे आ जाएंगे, समझे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सर्री के साइड का चीज़, जो प्लेयर्स पिक्स हैं वो समझ में आ गया होगा, और आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेड करना और किन पे ट्रेड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आंसर ज़रूर करता हूँ, तुरंत करता हूँ, आप सबको पता होगा। ससेक्स की बात करो, देखो डिलर रॉलिंस 28 में, शायद से लोग इनको ट्रेड कर रहे होंगे, बट मैं आपको बताऊँ, देखो ये कौन से टीम से खेल रहा है भाई, BM मतलब बरमूडा है क्या, समझ रहे हो, तो किस टीम से खेल रहे हैं, चांसेस कितने हैं देखते जाओ। बैटिंग के चांसेस मिल नहीं रहे, बॉलिंग के चांसेस मिल नहीं रहे, वो अलग सी बात है, किसी दिन बैटिंग कोलैप्स हो गई तो बैटिंग की मिल गया, बट एक मैच से तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं, जाहिर सी बात है। अगर आपने 28 में बाई किया है, सिंपल समझो, पहले 3 मैचेस में नहीं चलते हैं तो प्राइस हो जाएगी 26 या 25 मान लो, किसी एक मैच में मौका मिला वहाँ पर इन्होंने अच्छा प्रॉफिट दिया 3 से 4 रुपये, वापस फिर से 28 में आ गए, तो भाई क्या करोगे, कैसे प्रॉफिट होगा फिर। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, प्राइस लो देख के भी चीज़ें नहीं कर सकते आप, ट्रेड मान के चलो ठीक है 28 पे आप समझो। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग लगता है शायद बकवास भी चल रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, समझो एक बार से। देखो मान के चलो डिलर रॉलिंस 28 पे मिल भी जा रहा है, चाहे कोई प्लेयर 28 पे मिल जाए, बट ये भी तो है कि यार T20 ब्लास्ट के बाद ये कहाँ खेलेंगे, आपने कभी देखा डिलर रॉलिंस को कहीं और खेलते हुए, शायद से कहीं और खेलते हो सकता है, बट मैंने इतने कंटिन्यूस इनके मैचेस नहीं देखे हैं दोस्तों, और मैं हर मैचेस को फॉलो करता हूँ जितने भी लीग्स होते हैं, बट ऐसा मैंने कोई मैच नहीं जहाँ आप इनको ओपन करने मिल जाए और लगातार इनको मैचेस मिलते रहे, ऐसा नहीं होता है, ऑलराउंडर है, नीचे बैटिंग करने मिलती है, तो चांसेस बैटिंग बॉलिंग के दोनों के फिलहाल T20 ब्लास्ट में कम है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और आपको लगता है कि किसी दिन चल सकते हैं, आपका अपना भी माइंड सेट है, उसको यूज़ करो, ट्रस्ट अगर आ रहा है डीलर रॉलिंग्स पे तो ट्रेड करो, अदरवाइज मैं बोलूँगा छोड़ दो। आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कंसिडरेशन, आप कंसिडर कर सकते हो, मेरे लिए क्रॉस हैं, अदरवाइज मैंने कभी ट्रेड कर लिया होता। अभी आप देखो लॉजिक, जिस दिन शायद इनकी प्राइस 23-24 की चल, सॉरी 32-33 की चल रही थी, उस दिन भी मैंने ट्रेड करने नहीं बोला था, और आज देखो 28 चल गई, समझ रहे हो, कंसिडरेशन। हालांकि मैंने हमेशा बोला, कभी इंपॉर्टेंट नहीं बोला, मैंने बोला कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इनके ऊपर ट्रेड कर सकते होंगे, करना चाहते होंगे, तो भाई उनको मैं नहीं रोक सकता ना भाई, इसीलिए बोला। ठीक है, देखो ट्रेविस हेड, अब ये देखो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है भाई, इंटरनेशनल, कितने दिन ये लॉस में रहेंगे आप बताओ। अभी कुछ दिन 35 के राउंड में चल रहे थे, लोगों ने जिनको बाई करना था कर लिया होगा, अगर अब बाई नहीं किया है तो फिर मत करना। देखो नंबर 3 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, शायद से ओपन भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नंबर 3 पे फिलहाल तो आ रहे हैं, बॉलिंग भी कराएंगे बैटिंग कराएंगे, और ससेक्स की टीम में तो सबके सब ऑलराउंडर हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, समझ रहे हो। अब आप बस फिलिप साल्ट को छोड़ दो, वो भी कीपिंग करते हैं, अगर वो कीपिंग भी नहीं करते तो भैया वो भी बॉलिंग कराने लगते हैं। अब देखो ल्यूक राइट को इन्होंने लाया, ल्यूक राइट आपको पता है बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हैं, और अच्छी अच्छी बॉलिंग करते हैं और अच्छी बैटिंग भी करते हैं, तो ये बात मैं बोल रहा हूँ, सारे के सारे ऑलराउंडर भरे पड़े हैं। एलेक्स कैरी ये भी कीपर है, फिलहाल इनको छोड़ दो। तो वही मैं बात बोल रहा हूँ कि ट्रेविस हेड के ऊपर आप जा सकते हो, अभी भी टाइम है, अगर आपको 35-36 के राउंड में मिलते हैं तो ट्रेड कर लो, क्योंकि देखो इंटरनेशनल प्लेयर ज़्यादा दिन तक चुप नहीं बैठेगा, 3 से 4 मैचेस ट्रेड खराब जाएगी आपकी, फिर एक ना एक दिन किसी दिन अच्छा चल जाएंगे बॉलिंग बैटिंग दोनों से, उस दिन आपका पैसा बन जाएगा, इसलिए बोलता हूँ जिनको चांसेस मिले उनके ऊपर आप भी चांस ले सकते हो आँख बंद करके। बात करें देखो डेविड वीज की, तो देखो ये आप जहाँ डिलर रॉलिंग्स मान लो इस लेवल पे हैं, तो डेविड वीज का जो इंपॉर्टेंस है थोड़ा इस लेवल पे है, एक लेवल उनसे आगे रखो, बैटिंग बॉलिंग दोनों इनकी भी है, ऑलराउंडर अच्छे हैं,
बैटिंग में भी लंबे लंबे हिट्स लगा सकते हैं, वहीं रॉलिंस भी काफ़ी अच्छे हिट्स लगा सकते हैं, मैं आपको बताऊं वो भी काफ़ी तेज़ स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, लेकिन उनकी जो बॉलिंग है वो वीक है। और वहीं मैं बात करूं डेविड वीज़ की, तो बॉलिंग में थोड़ा सा एज ज़्यादा है, थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा है, लेकिन बैटिंग थोड़ी सी इनकी कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं बोलूँगा मतलब थोड़ा सा एक लेवल नीचे मानो, लेकिन चांसेस की भी बात है, डेविड वीज़ को भी चांसेस नहीं मिल पा रहे हैं, हालांकि अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, बट मिल सकते हैं इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर के टॉप ऑर्डर के तीन चार बैट्समैन वही पूरे मैचेस खेलें, वही पूरी 20-20 ओवर खेल लें, 20 ओवर वही बॉलिंग करा लें, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है किसी दिन डेविड वीज़ को चांसेस मिलते हैं तो 30-40-50 रन बना सकते हैं तेज़ गति से, और साथ ही साथ विकेट्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग इनको 4 ओवर मिलती ही मिलती है, गारंटीड रहती है अगर अच्छी बॉलिंग रहती है तो, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट फिलहाल मैं नहीं बोलूँगा, अभी देखो मैंने कंसिडरेशन में इनको फिलहाल रखा है, रॉलिंस को और डेविड वीज को दोनों को कंसिडरेशन में रखा है। इम्पॉर्टेंट रवि बोपारा थे जब तक कि इनकी प्राइस लो थी, अभी ये भी कंसिडरेशन में, हालांकि 45 कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है अभी भी, अगर 44-43 तक ताज तो हो ही जाएंगे, तो यहाँ पे भी अगर आप बाई कर लेते हो तो देखो दोस्तों बैटिंग थोड़ी सी कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट है इनके भी, और बॉलिंग भी करा लेते हैं, अगर बॉलिंग मिलती है तो वहाँ से भी विकेट्स निकालने के चांसेस, और बैटिंग के भी पूरे चांसेस मिलते ही मिलते हैं, तो चांसेस में कोई कमी नहीं है, ना ही बॉलिंग की, ना ही बैटिंग की, ना ही फील्डिंग की। तो यहाँ से और इनके मैं ऑल टाइम हाई अगर बता दूँ तो करीब मान के चलो तो 60 के अबव, 66 के अराउंड में जहाँ तक मुझे याद है, तो समझ सकते हो कैपेबिलिटी तो है, अब बात है चलने की और चांसेस की। रिस्क जरूर से ले सकते हो, प्रॉफिट कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट मेरे लिए रवि बोपारा रखो, बाकी जितना भी मैंने बताया कंसिडरेशन रखो, इधर तुम सीधे क्रॉस कर दो, किसी को ऊपर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जॉर्ज गार्टन कितने महंगे हैं, 62 भाई, वही देखो जॉफ्रा आर्चर खेल नहीं रहे बट 65, और जॉफ्रा आर्चर तो यार बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और बॉलिंग तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये बॉलर तो कमाल का है। चलो बात करते हैं अगले मैच के बारे में, और उम्मीद करता हूँ लास्ट मैच आपको समझ में आएगा किन प्लेयर्स के ऊपर ट्रेड करना है, किन को अवॉइड करना है। एक बार से नहीं समझ में आ रहा तो जाओ वापस से वीडियो को थोड़ा सा बैक करो और देख लो और नोट कर लो डायरी में या फिर माइंड में। हाँ ये मैच देखो, डर्बी और नॉर्थ की मैच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच, और मतलब इसमें ट्रेड करने में मज़ा भी आएगा और थोड़ा लॉजिकल चीज़ें भी इसमें बात होंगी। देखो बिली गॉडलेमैन इंपॉर्टेंट पिक, वेरी इंपॉर्टेंट, 26 इज़ द बेस्ट प्राइस फॉर बिली गॉडलेमैन, 2600 रुपये में अगर बाई करोगे भाई तो लिख के लो अब प्रॉफिट आपको गारंटीड मिलेगी, मतलब क्या गारंटीड मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं है कि गारंटी दे रहा हूँ मैं, बट देखो बेली गॉडलेमैन कैप्टन है, अच्छे प्लेयर हैं, कितने दिन तक शांत रह सकते हैं भाई, 4 से 5 मैचेस फ्लॉप हो चुके हैं, अब आप समझ सकते हो कि यार 26 की प्राइस काफ़ी लो है और इनके ऑल टाइम हाई काफ़ी ज़्यादा है, समझ सकते हो यहाँ से नंबर 3 पर बैटिंग करने आ रहे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल सकता है अगर आप 26 में बाई कर रहे हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर आप 10 शेयर बाई कर रहे हो सिंपल समझो, ठीक है मान के चलो आज भी नहीं चलता और 25 रुपये इनकी प्राइस हो जाती है, फिर अगले मैच में भी 5 शेयर बाई करो, समझ रहे हो, फिर मान लो 24 होती है फिर 5 बाई करो, और फिर एक दिन आएगा कि भाई ये प्लेयर वहाँ से फिर 24 से जब उसी दिन ये फिर 40 पे पहुँच जाएगा, फिर 40 से 65 तक तो पहुँच जाएगा, ठीक है, दो दो ही मैच तो चाहिए भाई, दो मैच जिस दिन चला आपका सोचो 24 रुपये से 65, 40 रुपये का पर शेयर का प्रॉफिट, कमाल है भाई, आपने तो 20 शेयर बाय भी किए हैं मैंने जो फॉर्मूला बताया, तो दैट्स अ गुड पॉइंट, ये पॉइंट लेके हम कवर करेंगे। तो बिली गॉडलेमैन कैप्टन है, ज़्यादा दिन तक शांत नहीं रह सकते और परफॉर्मेंस काफ़ी लो गया है, तो समझ सकते हो एज अ कैप्टन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको ये कहीं ना कहीं खुद को निखारना पड़ेगा, खुद को इम्प्रोवाइज करनी पड़ेगी, लॉजिकल चीज़ आप सब जानते हो, और चांसेस तो पूरे मिलते हैं भाई नंबर 3 पे यार, अब क्या चाहिए। ये देखो डुप्लॉय की बात करें, ऑलरेडी 50% के आसपास, मतलब 48% मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ कि 50% के प्रॉफिट में ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको अगर आपके पास शेयर पड़ा हुआ है तो आप उनको होल्ड पे कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो 46 कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है किसी भी प्लेयर के लिए, और डुप्लॉय तो जिस प्रकार से पिछले मैच में 90 के ऊपर की पारी के लिए, तो समझ सकते हो कैपेबिलिटी, 46 कोई ज़्यादा बड़ी प्राइस नहीं है, 2 से 3 रुपये आज घटेगा, और अगर अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो समझ सकते हो प्राइस फिर से ऊपर चली जा सकती है। तो प्लेयर कब रिस्की होता है, जब वो 60 के अबव है, 60, 65, 70, 80 तक जाता है, वहाँ पे काफ़ी रिस्की हो जाता है, वहाँ उसको सेल करना ही पड़ता है, अदरवाइज एक से एक मैच भी फ्लॉप गया ना तो 10 से 15 रुपये तो डाउन चला जाएगा, तो वो तब वहाँ रिस्क होता है। फिलहाल 46 पर रिस्क ले सकते हो, और अगर आपने अभी तक ट्रेड नहीं किया तो भैया आप मत करो, क्योंकि 50% प्रॉफिट वाले प्लेयर के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे तो ऑलरेडी समझो कि आप 50% लॉस में हो भाई, वो पैसा बचा के गॉडलेमैन पे
ट्रेड कर लो ना, क्योंकि गॉडले में तो वैसे भी इनके ऊपर ही आते हैं ट्रेड बैटिंग करने, तो बैटिंग के चांसेस भी पूरे मिल जाते हैं। डुप्लॉय तो थोड़े नंबर चार पे आते हैं, तो बैटिंग के भी चांसेस थोड़े कम हैं। मैं यहाँ पे कम बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ की साइड थोड़ी सी मुझे वीक लग रही है, और जिस हिसाब से ये बैटिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से इनके पास प्लेयर्स हैं भाई, मुझे तो नहीं लगता कि नंबर पाँच के नीचे इनकी बैटिंग जाएगी, मुझे नहीं लगता। अब बाकी कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। मैडसन तो खेल नहीं रहे भाई, इनको किसी दिन चोट लग गई, उसके बाद से इनकी वापसी हुई नहीं है। देखो लुई रीस 50 के अराउंड में ऑलरेडी 42-45% का प्रॉफिट दे चुके हैं। अगर आप मुझे देखो, मुझे पता है आप में से सारे लोगों ने इनके ऊपर ट्रेड ऑलरेडी करके रखा होगा, ठीक है। अब अगर नहीं किया तो मत करो यार, सोचो आप 50% के प्रॉफिट वाले प्लेयर के ऊपर ट्रेड क्यों करोगे, ऑलरेडी आप 50% लॉस में चले गए हो, इसका मतलब समझ रहे हो। ये देखो मैट क्रिचली 65 रुपये प्राइस, और ये करीब 31 या हाँ 31% के प्रॉफिट में चल रहा है मेरे पास जो इनके शेयर है, ठीक है समझ रहे हो। लेकिन ये अब उतने ही वॉलेटाइल, मतलब उतने ही वॉनरेबल हो गए हैं, उतने ही रिस्की, अगर आप इनको 65 रुपये में बेचोगे नहीं ना भाई, तो अगर आज के मैच में चांस बैटिंग के नहीं मिली और बॉलिंग के भी अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, तो समझ सकते हो कि कितनी तेज़ी से प्राइस डाउन जाएगी। और ये फिर आपको 60 रुपया तो अभी मैच शुरू होने से पहले ही हो जाएगा 60 रुपया, और उसके ऊपर से अगर प्रदर्शन भी ख़राब हो गया तो आप समझ सकते हो 50 रुपया 55 रुपया तो आ ही जाएगी प्राइस, और मान के चलो अगले मैच में भी ख़राब हो गया तो फिर प्राइस नीचे चलती ही चले जाएगी, तो इसीलिए ये ज़्यादा रिस्कियर है। वहीं अगर मैं आपको बताऊं, एक बार से देखो समझो, मैं ये चीज़ें बार बार बता चुका हूं, ये चीज़ मैं अभी इसके पिछले वाली वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे सेल करना, कब सेल करना है, उस वीडियो को देखोगे, 40 मिनट की वीडियो है लगभग, 39-40 मिनट की, और काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए होगी अगर आप फिक्सर पे अच्छे तरीके से ट्रेड करना चाहते हो, नॉलेजेबल तरीके से। अगर लक आप आजमाना चाहते हो तो भाई आजमा सकते हो बिना नॉलेज के भी। जैसे डुप्लॉय की अगर बात करें, मान के चलो डुप्लॉय आज के मैच में इनकी प्राइस 44 हो जाती है, 43 हो जाती है, ठीक है समझो, और अगर फ्लॉप भी हो जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्राइस 40 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 रुपये ही तो गए आपके। लेकिन वहीं मैट क्रिचली की बात करें जो 65 पे हैं, अगर आज फ्लॉप होंगे भाई तो 55 से नीचे इनकी प्राइस चली जाएगी, एक मैच में 10 रुपया जाएगा, तो सीधे डबल लॉस होगा। यही चीज़ें मैं बताता हूँ कि लो प्राइस वाले और हाई प्राइस वाले में क्या दिक्कत होती है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो इंपॉर्टेंट बिली गॉडलेमैन, बाकी आप इनको कंसीडर कर सकते हो डुप्लॉय को, अदरवाइज मैं आप किसी प्लेयर के ऊपर ट्रेड करने नहीं बोलूँगा। लुई रीस भी देख सकते हो ऑलरेडी प्रॉफिट में, मैट क्रिचली प्रॉफिट में, सबको छोड़ो गॉडलेमैन के ऊपर फोकस करो। अगर ट्रेड कर लिया गॉडलेमैन के ऊपर तो आज भी कर लेना, अगर पैसा होगा तो अदरवाइज छोड़ सकते हो। बात करें नॉर्थ के साइड से देखते जाओ, ये देखो इधर देखो एडम रॉसिंगटन की, कोई शायद से इनके ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन आप मेरा टेलीग्राम उठा के देखो, मैंने हमेशा बोला कि रॉसिंगटन के ऊपर ट्रेड करो, मैंने इनका बैटिंग देखा हुआ है तब मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है भाई बल्लेबाजी देखते हुए। रैंडम कोई भी देखो, कोई भी बल्लेबाज अचानक से आया और रन्स बना देता है तो थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा जो ट्रस्ट होता है वो डेवलप नहीं हो पाता, और लॉजिकल चीज़ें भी फील नहीं होती। लेकिन मैंने इनकी बैटिंग देखी हुई और जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं, जिस प्रकार से शॉट्स खेलते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये लंबी पारी भी खेल सकते हैं, ऑल टाइम हाई भी काफ़ी ज़्यादा है और ओपन भी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग के भी पॉइंट है, तो समझ सकते हो प्रॉफिट किसी भी दिन हो सकती है, और 33 प्राइस काफ़ी लो है, आराम से जाओ चांसेस पूरे मिलेंगे। रिकार्डो वेन कॉन्सिलस, ये देखो रिकार्डो वेन कॉन्सिलस की अगर बात करें भैया, देखो 38-36 मान के चलो 35-36 अराउंड में मिलेंगे, ट्रेड जरूर से कर सकते हो, हालांकि स्टार्ट जरूर कर रहे हैं, हिट तो कर रहे हैं शुरू के 10-15 रन तेज़ी से बन रहे हैं, उसके बाद से फिर ये पारी आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन जिस दिन बढ़ेगी अफ्रीकन प्लेयर भैया कमाल कर देंगे, तो इन दोनों के ऊपर ट्रेड जरूर करो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इसमें से कोई एक ही इंपॉर्टेंट होगा और एक कंसिडरेशन रख सकते हो, ठीक है। वेन पार्नेल, देखो वेन पार्नेल आप वीडियोस मेरे पुराने उठा कर देखो, नॉर्थ के साइड के जिस दिन मैंने वीडियो बनाई उठा कर, अगर आपको विश्वास नहीं है तो देख लो, टेलीग्राम उठा के देख लो, मैंने बोला कि वेन पार्नेल के ऊपर ट्रेड करो, ठीक है। 42-43 के रुपए में जिस दिन ये बिक रहे थे, मैंने बोला इनके ऊपर ट्रेड कर लेना, क्योंकि देखो नंबर 4-5 पे बैटिंग करने आ जा रहे हैं, 5-6 पे, और काफ़ी एक्सपीरियंस के मामले में अफ्रीकन प्लेयर, मैं इनको लगभग बचपन से जान रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, T20 लीग्स ही खेलते हैं अब फिलहाल, T20 ब्लास्ट ही खेलते हैं, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, मतलब अब ये नहीं कि सेंचुरी लगा देंगे, बट ये कि 30-40 रन तेज़ गति से बना सकते हैं, और बॉलिंग अच्छी रहती है, लेफ्ट आर्म पेसर है, बहुत अच्छी बॉलिंग रहती है, 2 से 3 विकेट से निकाल भी सकते हैं किसी दिन। तो अभी आप देखो आपके सामने 42 से 49 में पहुंच गए, अगर आपने बाई किया होता तो 5 से 7 रुपये ट्रेड तो आपने प्रॉफिट जनरेट ही कर लिया होता पर शेयर के हिसाब से। लेकिन देखो मैं अपना भी बताऊँ तो मेरे लिए भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जब मैंने आपको बताया था मैंने इनके ऊपर ट्रेड नहीं किया था, लॉजिकल चीज़ें हैं। देखो अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, एक आपके पास फिक्स्ड अमाउंट है, तो आप चाहोगे कि जो ज़्यादा ट्रस्टेबल
ट्रस्टवर्दी प्लेयर, उनके ऊपर ट्रेड करना। फिर अगर पैसा बचता है तो इंसान इधर उधर फिर इन्वेस्ट करता है, तो उस हिसाब से ही हमारे पास हो सकते थे इंपॉर्टेंट। बट पैसा किसी के पास भी नहीं बचा तो किसी ने भी ट्रेड नहीं किया होगा, बट अगर जिन्होंने भी किया होगा तो अभी प्रॉफिट में चल रहे होंगे, लॉजिकल है। ठीक है, बाकी सब इधर से छोड़ दो। जोशुआ का 56 छोड़ ही सकते हो यार, अच्छी बैटिंग तो कर रहे हैं बट 56 पर ज़्यादा लग रहा है मुझे। बाकी आप देखो ट्रेड कर सकते हो अपना भी, अगर आपका दिमाग बोल रहा है, आपका दिल बोल रहा है कि भाई ट्रेड कर ही सकते हैं कर लिया करो। इंपॉर्टेंट में मैं इन दोनों को रखता हूँ, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, तो ये नंबर थर्ड मैच भी कवर हो गया। बात करते हैं लास्ट मैच की। देखो मुझे डरहम और डर्बी साइड दोनों की साइड्स काफ़ी अच्छी लगती हैं, दोनों मैच टीम्स मुझे काफ़ी पसंद है। ठीक है, तो उनके ऊपर ट्रेड करने में काफ़ी अच्छा लगता है, उधर प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं। लाइक आप सर्री की टीम देखो, मैं यार सर्री का फ़ैन भी रह चुका, जब जेसन रॉय, एरन फिंच ये सब बैटिंग खेल करते थे, एरन फिंच भी थे, मज़ा आता था देखने में। अभी फ़िलहाल जो भी है देखो मज़ा तो आता ही है। और डरहम इधर देखो, कैमरन बैनक्रॉफ्ट 30 रुपये में, देखो इनके ऊपर ट्रेड चाहो तो कर सकते हो, मैं कंसिडरेशन रख रहा हूँ ऐसा, इसलिए इंटरनेशनल प्लेयर हैं, थोड़े से T20 टाइप तो मुझे नहीं दिखते, लेकिन ट्रेड कर सकते हो। जाहिर सी बात है यार, प्लेयर हैं इंटरनेशनल हैं तो 5 से 10 रुपये तो यार पर शेयर दे ही सकते हैं प्रॉफिट, क्योंकि 30 से नीचे कितना जाएंगे यार। किसी ना किसी दिन चांस मिलेगा खुद को, जिस दिन रियलाइज़ होगा, खुद को टाइम देंगे, स्टेबिलिटी के साथ खेलेंगे और अच्छे रन्स बनाएंगे। थोड़े स्लो गति से भी बनाते हैं, मतलब थोड़ी सी स्ट्राइक रेट कम भी रहे बट रन्स तो बनाएंगे ना। स्कोर तो रन्स के ऊपर भी मूव करता है, जो प्राइस होती है वो तो रन्स के ऊपर भी मूव करती है, सिंपल है। पैसा बस है तो क्रॉफ्ट के ऊपर जाना, अदरवाइज छोड़ो। स्कॉट स्टील ट्रेड कर लेना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि स्कॉट स्टील बैटिंग बॉलिंग दोनों और अच्छे प्लेयर हैं भाई, ओपन करते हैं। पिछला ही मैच देख लो, 55 के अराउंड में रन बनाया था इन्होंने, तो खुद को टाइम दे रहे हैं, ओपन करना क्या चाहिए, चांसेस पूरे मिल रहे हैं बॉलिंग के भी बैटिंग के भी। इंपॉर्टेंट है 48 के प्राइस में भी, 5 से 10 रुपये लिख लो। ये देखो भाई डेविड बेडिंगम, अब मैं आपसे खुद पूछता हूँ कि बताओ कितने लोगों ने इनके ऊपर ट्रेड किया है। टेलीग्राम उठाओ, वीडियोज़ उठाओ और लाइन से पूरा मैसेज रीड कर लो, हर हर दिन आप पाओगे कि मैंने बोला डेविड बेडिंगम के ऊपर ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो। ठीक है, और जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा आप देख सकते हो प्रॉफिट में ज़रूर से होंगे। शायद मैं भी करीब 20-22% के प्रॉफिट में हूँ, याद नहीं एग्जैक्ट, मेरी जो पोर्टफोलियो की लिस्ट है काफ़ी लंबी, आप देखे होगे अगर वीडियोज़ देखते होगे तो याद नहीं, बस 20-22% के प्रॉफिट में है। मैंने कहा था दोस्तों बाई कर लो, ठीक है, अच्छे प्लेयर है बाई कर लो, अफ्रीकन प्लेयर्स बाई कर लो। और मैंने इनके बहुत मैंने सालों से फॉलो किया भाई, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, कीपर भी हैं, दोनों के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अब देखो अभी की बात करूँ तो अभी देखो अगर 50 भी मिलते हैं तो यार मैं तो फिलहाल कंसिडरेशन रखूँगा जो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अभी क्रॉस कर दो, तो मेरे साइड से इनको ऊपर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस हाई हो चुकी है। ये देखो डर्बी साइड के डरहम के साइड में डॉर्सी शॉट को दे दिया है, ये तो हम शहर के साइड से खेलते हैं, छोड़ दो। ये देखो बेन रेन, अभी ये भी देखो इंपॉर्टेंट है भाई, इतने प्लेयर्स हैं भाई दोनों टीमों में। बेन रेन देखो नंबर 3 पे बैटिंग, लेकिन बैटिंग के जो मैं आप बताऊँ, बैटिंग जो आप उम्मीद इनसे कम रखो, उम्मीद कम रखो, लेकिन चांसेस इनको भी जान जाओ पूरे मिलते हैं, और ये किसी भी दिन अच्छी पारी खेल सकते हैं, तेज़ गति से रन बना सकते हैं, मतलब स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छी रहती है। हालांकि 2-3 पारियों में इन्होंने 00 का तो दे ही दिया स्कोर, लेकिन उसको वो कवर कर लेते हैं, इसीलिए इनकी प्राइस अभी भी 53 की और पॉजिटिव चल रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग से अच्छी बॉलिंग से ज़बरदस्त हैं। 2 से 3 विकेट्स हर मैच में निकाला इन्होंने, और सोचो आप कि 2 से 3 विकेट्स तो निकाल रहे हैं और किसी दिन गलती से भी बैटिंग चल गई, 50 रन भी मार दिए, क्योंकि चांसेस तो पूरे मिलते हैं, समझ रहे हो, फिर आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से इनकी प्राइस मूव करेगी। फिलहाल अभी ये भी मुझे महंगे लग रहे हैं, 53 थोड़ा सा महंगा है, बट अगर 50 पे मिलते हैं तो कंसीडर कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इनको बाय किया था 45-45 के करीब में, 45 में मैंने सेल भी कर दिया, मुझे प्रॉफिट भी हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने बाय भी किया होगा तो आपको भी प्रॉफिट हुआ, अगर 50 पे मिलते हो तो कंसीडर कर लेना, और ज़्यादा पैसा तो इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो इधर से मैंने पूरा का पूरा बता दिया, इंपॉर्टेंट में बस स्कॉट स्टील रख लो, बाकी कोई नहीं। लंका शहर ये भी फेवरेट टीम है भाई, प्लेयर्स ही कुछ ऐसे हैं इसमें, जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टोन, फिन एलन, एलेक्स डेविस, डेन विलास, कितने अच्छे प्लेयर्स हैं भाई, सब अच्छे हैं, तो इन ये भी काफ़ी अच्छी टीम है। ग्लेन मैक्सवेल फिलहाल तो नहीं खेल रहे, चलो देखो इधर से डेन विलास 36 अच्छी प्राइस है, बट अभी नहीं क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने परफॉर्म किया बहुत अच्छा, और 36 थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अगर उस टाइम अगर आपने बाई किया होता डेन विलास को, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो
कि अभी बाई करने लायक क्यों नहीं है, क्योंकि चांसेस नहीं मिल रहा है भाई। ऊपर के जो बैट्समैन है वो बैटिंग आने ही नहीं देते इनको, तो डेन विलास तक तो बैटिंग जा नहीं पाती। अब वो अलग बात है किसी दिन टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता किसी अच्छे टीम के अगेंस्ट में, तो उस दिन बैटिंग मिल जाएगी। बट देखो जब भी टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो अगर ये खुद को संभाल के नहीं खेलेंगे भाई तो ये इनका भी विकेट चला जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फिलहाल ट्रेड मत करो डेन विलास के ऊपर, और लॉन्ग विजन में देखते हो तो कर सकते हो। हालांकि अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है जब ये थोड़ी प्राइस कम थी, 30 उसके आसपास थी याद नहीं है, तब आप अगर आप किए होगे तो प्रॉफिट भी ज़रूर से होगे। ठीक है, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, जल्दी इस ख़त्म करते हैं। किडन जेनिंग छोड़ दो, टॉम बेली देखो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, पिछले साल भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, बट अभी फिलहाल छोड़ दो, बॉलर्स के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं करता है। बात करें एलेक्स डेविस की, देखो अभी भी आज आप इनके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। हालांकि अगर आपने इनको 31 पे ट्रेड नहीं किया तो फिर फिलहाल अभी मत करो यार, 43 के साथ प्रॉफिट ज़रूर दे सकते हैं, बट अगर आपने 31 पे बाई किया होता तो शायद 10 रुपये ज़्यादा ही प्रॉफिट रहता, समझ गए ना। मैं आपको खुद बताऊँ, मैं खुद इनको 43 पे ही बाई किया था यार। जब मैंने इनको 43 पे बाई किया इनकी प्राइस 31 तक गई, और फिर अब देखो 43 पे आ चुकी है, तो मुझे अभी फ़िलहाल 0% की प्रॉफिट हुई है। हालांकि अगर मेरे पास एक फार्मूला ज़रूर था प्रॉफिट बनाने का, लेकिन पैसे नहीं थे उतने मेरे वॉलेट में। 43 पे जैसे ही 31 गए, आप इनको वहाँ पे भी 10 शेयर अगर बाई कर लिए होते तो शायद जब ये 43 पे आते हो तो अभी तक आपके पास 100 रुपये का प्रॉफिट होता, समझे। इसीलिए बोलता हूँ वीडियोस देखा करो, काफ़ी लॉजिकल चीज़ें होती हैं, आप सबको पता होगा देखते होगे तो। इसीलिए अभी फिलहाल एलेक्स डेविस को छोड़ दो, और मुझे जहाँ तक लगता है मैंने जितनी बार बोला है 100 बार तो मैं बोल ही चुका हूँ, एलेक्स डेविस के ऊपर ज़रूर से आपने ट्रेड कर लिया होगा अगर मेरी बात मानते होगे तो। बात फिन एलन आँख बंद करो ट्रेड कर लो, ओपन करते हैं भाई जिस हिसाब से खेल रहे हैं अच्छी पारियाँ चलेंगे। 48 है, 60-65 किसी दिन पहुँच सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छे प्लेयर्स हमेशा पैसा बना के देंगे, चाहे वो कितना भी लॉस में जाए एक ना एक दिन उभर के आना। यही एक अच्छे प्लेयर और एक योद्धा की यही तो खासियत होती है कि उनको ओवरकम करना आता है, हमेशा बुरे सिचुएशन को डिफीट करना आता है। चलो फिन एलन को इम्पोर्टेंट रख लो, और किसी को नहीं, इधर देखते जाओ आप। जोस बटलर भैया देखो 52 के अराउंड में होंगे, 52-53, आँख बंद करना ट्रेड कर लेना। हालांकि देखो जॉस बटलर लॉजिकल है, सिंपल है, मैंने बार बार बोला कि अगर ओपन करते जॉस बटलर तो जॉस बटलर इंग्लिश पिचेस ओपनिंग बैटिंग फर्स्ट काफ़ी धमाकेदार पारियां खेली हुई है इन्होंने, लेकिन ओपनिंग नहीं कर रहे फिलहाल, तो चांसेस थोड़े कम मिलते हैं, बट मिल जा रहे हैं रन्स बनाने लायक, तो ट्रेड कर सकते हो 52-53 के करीब में। अगर बाई करते हो तो 5 से 10 रुपये तक जोड़ के रखो, बाकी छोड़ दो। लियाम लिविंगस्टोन देखो 70 पे हैं, ठीक है, और इनको सेल करना है कि नहीं करना है दोस्तों, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया यार, जाके देखो मेरे भाई, कुछ तो ज्ञान लो यार, बोलते बोलते गला दर्द हो जा रहा है मेरा तो। ठीक है, तो इधर मैंने बता दिया, नोट कर लेना। ओह अच्छा ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ये चारों मैचेस मैंने कवर कर दिए। वीडियो सच में काफ़ी लंबी हो गई, मैंने काफ़ी सारा डेटा और नॉलेज भी दिया, काफ़ी सारे अच्छे बातें बताएं जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है मेरा भाई तो यार प्लीज़ कॉमेंट में बताओ भाई कि भैया भाई जो भी बोलो प्रॉफिट हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है, चाहे मेरी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, चाहे ऊपर वाले की वजह से हो रहा है, बस बोलो कि प्रॉफिट हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने प्रॉफिट भी। और देखो एक बात हमेशा याद रखो, प्रॉफिट भी जब हो रहा है जब वो रियलाइज्ड प्रॉफिट हो, ये लिख के ले लो डायरी में भाई, रियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है, लिख लो रियलाइज्ड प्रॉफिट। जब तक पैसा आपके जेब में ना आ जाए, ठीक है, तब तक उसको प्रॉफिट मत मानना। ऐसा नहीं है कि किसी प्लेयर को सेल नहीं किया है 50% प्रॉफिट में, 100% प्रॉफिट में खुश हो भाई, ऐसा कभी मत करना, वो खुश बेकार है, वो खुशी बेकार है। आप जब तक उसको सेल ना कर लो, वहाँ से पैसा आपके रियलाइज्ड गेन में ना आ जाए, तब तक उसको प्रॉफिट मत मानना। तो ठीक है, अगर आप ऐसा गेन कर चुके हो तो भाई लिखो कि आई एम इन प्रॉफिट, बहुत खुश हूँ, सब चीज़ ठीक चल रही है। अगर लॉस में हो तो भी लिखो यार, मैं आप ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपका जो है थोड़ा सा हेल्प किया जाए, कुछ तो आपका पोर्टफोलियो देखा जाए कि कहाँ से मिस्टेक हो रहा है, क्या किया जा सकता है, इतना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आप अपना दिमाग खुद भी यूज़ कर सकते हो, और मैं फिर से बोल रहा हूँ टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन करो, इंस्टेंट मैसेजेस आपको वहीं मिलेंगे, इंस्टेंस जो इन्फॉर्मेशन होती है वहीं मिलेगी, और जो सेलिंग की वीडियोज़ है उसको जाके देखो यार, थोड़ा सा नॉलेज वहाँ से ले लो। बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करो, और कॉन्टेंट ऐसे ही चाहिए, लगातार चाहिए, नॉलेज की वीडियोज़ चाहिए, तो यार वीडियो लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी, मैं आप सबके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँ, ठीक है। फिलहाल कितना मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।